नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ आज अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। और बच्चों, ये अनुच्छेद लेखन मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और प्लस आपको इसे अपनी नोटबुक में भी करना है। बच्चों, दूसरी बात मैं आपको फिर एक बार से याद दिलाऊंगी, इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो कार्य आपको अध्यापकों द्वारा बताया जा रहा है उसको समय से करते रहिए। तो बच्चों, आज हम अनुच्छेद करेंगे। चलिए समझते हैं कि अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद को हम निबंध का लघु रूप कह सकते हैं। इसमें किसी एक विचार बिंदु पर वाक्य समूह की रचना की जाती है। अनुच्छेद एक स्वतंत्र एवं पूर्ण रचना होती है। विषय का परिचय, उसका संक्षिप्त वर्णन और निष्कर्ष सभी कुछ एक ही अनुच्छेद में लिख दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है, ये बता रहे हैं कि अनुच्छेद भी एक निबंध का ही छोटा सा रूप होता है, जिसे हम जैसे निबंध को हम बड़े रूप में लिखते हैं, अनुच्छेद को हम एक छोटे रूप में लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। अनुच्छेद अपने आप में एक पूर्ण तरह स्वतंत्र रचना होती है। इस पर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं होता और इसमें संक्षिप्त रूप में उस विषय के बारे में जिस विषय में अनुच्छेद लिखा जा रहा है पूरी बातें कर दी जाती हैं। अब बच्चों, कुछ अनुच्छेद लिखते समय कुछ आवश्यक बातें हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। जैसे नंबर एक, अनुच्छेद में एक ही विचार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए या करना चाहिए। नंबर दो है, विषय से संबंधित सभी मुख्य बातें अनुच्छेद में आ जानी चाहिए। नंबर तीन है, अनुच्छेद के सभी वाक्य परस्पर संबंध होने चाहिए, यानी एक दूसरे से मेल खाते हुए होने चाहिए। नंबर चार है, अनुच्छेद की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। और नंबर पाँच है, अनुच्छेद लिखते समय भाव की गहनता और संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ये दो अनुच्छेद जो यहाँ पर दिए गए हैं उदाहरण के लिए, और इन अनुच्छेदों को आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। मैं एक बार फिर से याद दिला रही हूँ कि ये दो अनुच्छेद हैं जो आज मैं जिनको पढ़ रही हूँ, ये दोनों ही अनुच्छेद आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नीचे उदाहरण हेतु कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, अब हम इन अनुच्छेदों को पढ़ लेते हैं। पहला है, वृक्षों का महत्व। बच्चों, वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वृक्षों के बारे में हमें जितनी जानकारियाँ होती हैं, इनसे क्या लाभ होते हैं, इनसे क्या हमें पर्यावरण में कितनी सहायता मिलती है, और ये हमारे लिए एक खान पान औषधि और हमारे लिए बहुत ही हर प्रकार से हमारे लिए लाभदायक ही होते हैं। तो बच्चों, इस बारे में ही आज हमें वृक्षों के बारे में इसमें लिखना है। वृक्षों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। वृक्ष दूषित पर्यावरण को संतुलित करने में सहायक हैं। वृक्ष वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वृक्ष हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ प्रदान करते हैं। ये औषधियाँ हमें रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती हैं। इन वृक्षों से प्राप्त औषधियों का सेवन करके हम भयंकर से भयंकर रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। वृक्षों से हमें ऋतु के अनुसार फल प्राप्त होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। आम, अनार, सेब, चीकू, केला, लीची, आड़ू, अंगूर, पपीता, संतरा आदि फल हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। वृक्ष हमारे पशुओं के लिए चारा व घरेलू कार्यों के लिए ईंधन देते हैं। वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। लकड़ी से केवल फर्नीचर ही नहीं वरन सुंदर सुंदर खिलौने भी बनाए जाते हैं। जिस कागज़ पर हम लिखते हैं वह भी वृक्षों की लकड़ी से ही बनाया जाता है। लकड़ी से गृहसज्जा के लिए, गृहसज्जा मीन्स घर की सजावट के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। वृक्ष वर्षा में सहायक होते हैं। ये बादलों को आकर्षित करते हैं। बाढ़ आने पर वृक्ष मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। वृक्ष हमारे जीवन की आर्थिक समृद्धि के आधार हैं। वृक्षों के ऊपर तथा उसके नीचे पशु पक्षी निवास करते हैं। वृक्ष राहगीरों को छाया देते हैं। गर्मी की तपन से थका हुआ आदमी वृक्ष की छाया में खड़ा होकर राहत का अनुभव करता है। प्राचीन काल में वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी। आज भी केला, पीपल, तुलसी, आंवला आदि वृक्षों की पूजा की जाती है।
अब उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्षों को निर्दयतापूर्वक काटा जाने लगा है। मानव जाति के लिए घातक है स्वच्छ वातावरण, यह मानव जाति के लिए घातक है। क्या घातक है मानव जाति के लिए? वृक्षों का काटना। जो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है वो हमें नहीं काटने चाहिए, अन्यथा मानव जाति पर संकट आ सकता है। स्वच्छ वातावरण एवं स्वस्थ जीवन के लिए सभी मनुष्यों को चाहिए वे वृक्ष को सुरक्षित रखने का प्रयास करें और अधिकाधिक वृक्ष लगाएं। बच्चों, इसमें वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया है। आपको जिस तरह से मैंने ये पढ़कर सुनाया है, आपको देखकर ही इसको अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखकर ये लिखना है और बार बार इसको पढ़ना भी है, जिससे कि आपका जब एग्ज़ाम हो, जब आपके पेपर हो, क्योंकि बच्चों अनुच्छेद कहीं से और किसी भी टॉपिक पर हमें लिखने को दिया जा सकता है। इसे हमें प्रैक्टिस के रूप में इसको अपनी नोटबुक में पूरा करना है। अगला अनुच्छेद है बच्चों विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन में मनुष्य का जीवन स्वर्णिम काल माना जाता है, अर्थात जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो जीवन होता है उस समय का वो उनका स्वर्णिम अवसर होता है, सबसे अच्छा समय होता है। इस काल में विद्यार्थी शिक्षा रूपी धन अर्जित करता है। विद्यार्थी काल को पार करने के बाद ही मनुष्य एक आदर्श नागरिक बनकर अपने देश और अपने समाज के हित के लिए कार्य कर सकता है, अर्थात विद्यार्थी जीवन जब उसका पूरा हो जाता है उसके बाद ही एक मनुष्य आदर्श जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसने विद्या अध्ययन बहुत ही अच्छे से किया है और वह सामाजिक कार्यों को पूरा कर सकता है। वैसे तो मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन विद्यार्थी काल में अध्ययन सर्वोत्तम होता है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर विद्यार्जन किया करते थे। वे गुरुकुल में अपने गुरु के पास रहकर अनुशासन, ईमानदारी, परोपकार, सहृदयता, संयम आदि गुण सीखते थे। गुरुओं का उद्देश्य अपने शिष्यों के जीवन को सर्वगुण संपन्न बनाना होता था। आदर्श विद्यार्थी देश के कर्णधार होते हैं। कर्णधार माने पूरे देश का भार एक आदर्श विद्यार्थी पर होता है, क्योंकि आने वाले समय में विद्यार्थियों को ही देश का एक सुगठित नागरिक बनना है। विद्यार्थियों को समय का पाबंद होना चाहिए, उन्हें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, सभी के सुख दुख का भागीदार बनना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी में कौए जैसी कोशिश, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम भोजन करने वाला तथा गृह कार्यों से पूरी तरह मुक्त, ये पांच गुण अवश्य होने चाहिए। विद्यार्थी को सदा सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाना चाहिए। मनुष्य जीवन को यदि एक महल के समान माने तो विद्यार्थी जीवन उस महल की नींव के समान होता है। अतः जीवन रूपी महल की नींव को मजबूत रखने के लिए विद्यार्थी काल में सद्गुणों को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति विद्यार्थी काल में लापरवाही करते हैं वे युवा काल में सुख से वंचित रहते हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में सद्गुणों को अपनाकर अपने भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाना चाहिए। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य विद्या प्राप्ति के साथ साथ चरित्र निर्माण, शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास होना चाहिए। बच्चों, इसमें विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि विद्यार्थी ही आने वाले समय में देश का कर्णधार होता है। हमें विद्यार्थी जीवन में किस तरह के साथ रहना चाहिए, संयम का पालन करना चाहिए, कौन कौन से गुणों को हमें लेना चाहिए, क्योंकि प्राचीन समय में गुरुकुल में रहकर भी बच्चे अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरु अपने शिष्यों को एक आदर्श मनुष्य बनाते थे, क्योंकि आदर्श मनुष्य ही समाज की नींव होता है। जिस तरह से हम एक भवन का निर्माण करते हैं और मकान को या घर को बनाने से पहले उसकी नींव भरी जाती है, उसी तरह से एक देश को आर्थिक और मजबूत बनाने, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विद्यार्थियों को ही देश की नींव कहा गया है। तो बच्चों, आपको अच्छे से विद्या प्राप्ति करनी है, सद्गुणों को अपनाना है, बुरी आदतों को छोड़ना है,
समय का पालन करना है, अनुशासन में रहना है, तो यही सब विद्यार्थी जीवन के लक्षण होते हैं। बच्चों, मैंने आज आपको ये दो अनुच्छेद बताए हैं, पहला है वृक्षों का महत्व और दूसरा है विद्यार्थी जीवन, जो आपको आपकी बुक में ही मिल जाएंगे। आपको इन अनुच्छेदों को अपनी नोटबुक में करना है। तो बच्चों, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने कार्य को घर में रहकर पूरा करते रहिए, स्वच्छता से करिए। धन्यवाद।